चीन अब पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी कर रहा है और इसके लिए चीन ने राजस्थान और गुजरात से लगती भारत पाक सीमा पर अपनी बदमाश कंपनियों को काम पर लगा दिया है। आज तक के पास पुख्ता खबर है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चीन एयरपोर्ट्स का जाल बिछा रहा है। आज तक को पता चला है कि राजस्थान और गुजरात में बॉर्डर के बेहद पास पाकिस्तान में चीन ने पिछले 4 महीने में ही 2 एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर दिए हैं, जबकि 2 और एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। राजस्थान की जैसलमेर के घोटारू सीमा के ठीक सामने सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के खेरपुर में चीन ने एक एयर बेस तैयार कर लिया है, जहां पाकिस्तान के साथ साथ चीनी सैनिक भी तैनात हैं। इसी तरह बाड़मेर के मुनाबा बॉर्डर के सामने 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में भी चीनी सैनिक सैन्य एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गुजरात बॉर्डर के सामने महज 20 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के मिठी में भी चीन एक एयरपोर्ट बना रहा है। चालबाज और पाकिस्तान के इरादे नापाक हैं। अक्टूबर के महीने से जिस तरह से भारत पाकिस्तान सीमा पर चीनी सैनिकों और चीनी कर्मचारियों की आवाजाही बढ़ी है, भारत बेहद चौकन्ना है। कंपनियों की आड़ में एक नहीं 4-4 एयरपोर्ट चीन भारत पाकिस्तान सीमा के पास बना रहा है। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर चीन की इस धूल भरी साजिश को अपने कैमरे में कैद करने के लिए जब आज तक की टीम ने बॉर्डर पार करके पड़ताल की तो सच खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये कंस्ट्रक्शन का सामान, ट्रक और पाकिस्तान की सिंध सरकार का ये बोर्ड साबित करता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वीरान पड़े रेगिस्तान में चीन की ये दिलचस्पी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी हैरान करने वाली है। ये इस समय ऑयल एक्सप्लोरेशन के साथ साथ आड़ में, उसकी आड़ में ये वहाँ आर्मी का बेस, उसके साथ साथ अपने पेट्रोल पंप्स की भी सूचना है। दूसरा जो मेन है वो चाइना पाक कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पर, जो सिंध प्रांत से होकर गुजर रहा है और ठीक चाइना को कनेक्ट करेगा, जो कि इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उस पर ये जोर शोर से काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इनकी इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उस तेजी आई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान को चीन की बदमाश कंपनी मिल गई है और चीन न सिर्फ भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए सामरिक ठिकाने तैयार कर रहा है, बल्कि बीकानेर से लेकर गुजरात की सीमा पर पाकिस्तान को पक्के बंकर बनाकर भी दे रहा है। भारत पाक बॉर्डर पर मेड इन चाइना बंकरों की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आज तक के पास मौजूद है। चीन भारत पाकिस्तान सीमा पर थार के रेगिस्तान में हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। कहा जा रहा है कि अपनी निवेश और कंपनियों को बचाने के लिए वो भारत पाकिस्तान सीमा पर सामरिक ठिकानों को मजबूत कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में नहर से लेकर बंगर तक चीन भारत पाकिस्तान सीमा पर बना रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तान अब तक 350 से ज्यादा बंकर चीन की मदद से तैयार कर चुका है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान में चीन जो बंकर बना रहा है उनमें जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इन इलाकों में नहीं मिलते। ये देखिए, ये काले पत्थर, जबकि रेगिस्तान में सफेद और पीले पत्थर मिलते हैं जो बारिश में घुल जाते हैं और कमजोर होते हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान भारतीय सीमा पर जो बंकर बना रहा है वो जमीन से इतनी ऊंचाई पर बनाए जा रहे हैं कि रेत में न तप पाए। सड़कें बन जाएंगी, रेलवे ट्रैक्स बिछ जाएंगे, एयरपोर्ट आ जाएगा, तो इससे जो उनकी डिफेंस की क्षमता है या ऑफेंसिव क्षमता इस इलाके में वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स है उनका सपोर्ट करने के लिए, जो आपको बारूद, गोलाबारी, राशन ये सब चाहिए, उसमें आसानी पड़ जाती है। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर चीन की इन कारगुजारियों को देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ कोई नई चाल चलने की तैयारी में है, जिसका मास्टरमाइंड चीन है। वैसे भी पाकिस्तान के पास ना तो इतना माइंड है और ना मनी कि वो इतनी तेजी से बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे।